की स्थिति को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के 1 सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरीज की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। इसी तरह से जो मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के दुकानें हैं, वह सभी भी खुली रहेंगी। साथ में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी खुली रहेंगी। लेकिन सभी तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इसके अलावा, वो सभी बंद रहेंगी। सरकारी ऑफिसेज में भी जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित है, जैसे फायर सेवा से संबंधित है, पुलिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इलेक्शन है, ट्रेजरीज हैं, इन सब की सेवा जारी रहेगी। लेकिन अन्य जो ऑफिसेज हैं उनको अभी बंद रखा जाएगा। और इसी तरह से प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में भी सभी तरह के प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को कुछ जो आवश्यक हैं उनको छोड़ करके अभी बंद रखा जाएगा। अनलॉक टू में जो व्यवस्था की गई थी उसी के भांति ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जारी रहेगी। उसी तरह से हवाई यात्रा या रेल यात्रा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट और सरकारी ऑफिसेज बंद की जाएंगी तो काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स हैं, डेली भ्रमण करते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में गिरावट होगी। और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है, उसको देख